स्वराज लहर पंजाब के कुछ मुख्य साथी आज चंडीगढ़ में बैठे खुले तौर पे बात करने के लिए कि पंजाब के इस हालात में हमारा क्या रोल है, हमारा आगे क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, इस सब के ऊपर बात करने के लिए बैठे। हम सब की ये राय बनी कि आज पंजाब इस भ्रष्टाचारी, माफिया आधारित अकाली बीजेपी सरकार से मुक्ति पाने के लिए तड़प रहा है। पंजाबियों ने मन बना लिया है कि उन्हें इससे छुट्टी पानी है, कांग्रेस को वापस चाहते नहीं, पंजाब को एक विकल्प चाहिए। पिछले एक डेढ़ साल के अनुभव से पंजाबियों ने यह भी सीखा है कि वो जो नया विकल्प उनके सामने आया था, वो विकल्प पंजाबियों की इच्छा से उनकी आकांक्षाओं के साथ न्याय करने में सफल नहीं हुआ है। और ख़ास तौर पे डॉक्टर गांधी, खालसा जी, डॉक्टर दलजीत सिंह और बाकी सब साथियों के उस पार्टी से सस्पेंड होने के बाद आज ये वो पार्टी नहीं है जिसको पंजाबियों ने अपना समर्थन दिया था, जिसके साथ वो जुड़े थे। इस विशेष संदर्भ में आज पंजाब में एक वैकल्पिक राजनीति खड़ा करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और स्वराज अभियान इस वैकल्पिक राजनीति में अपना योगदान देने के लिए, इसे मजबूत करने के लिए तैयार है। स्वराज अभियान के साथियों की राय है कि डॉक्टर गांधी, खालसा जी, डॉक्टर दलजीत सिंह और अन्य तमाम साथियों ने ये जो हिम्मत भरा फैसला लिया है, जो पंजाब की अणक के लिए खड़े होने की हिम्मत दिखाई है, उसको देखते हुए आज सारा पंजाब उनकी तरफ नेतृत्व के लिए देख रहा है। और स्वराज अभियान के, स्वराज लहर के हम सभी साथी उनके समर्थन करने के लिए इस बड़े ऐतिहासिक अवसर पे उनके पीछे खड़े हैं। स्वराज अभियान पंजाब में चुनाव लड़ेगा? स्वराज अभियान एक पार्टी नहीं है, इसलिए जाहिर है आज की तारीख में स्वराज अभियान के लिए चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन पंजाब के चुनाव अभी डेढ़ साल बाकी हैं और स्वराज अभियान की तरफ से हमने फैसला किया था कि स्वराज अभियान बनने के 8-10 महीने बाद बैठ के हम अपने आगे के राजनीतिक रास्ता तय करेंगे। जब तय करेंगे तभी फैसला होगा। आपने कहा कि आप आज गांधी जी से मिलने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? आज मैं गांधी जी के पास पटियाला मिलने जा रहा हूँ और उनको यही अर्ज करूंगा कि पूरा पंजाब आप सब लोगों की तरफ नेतृत्व के लिए देख रहा है। आज आपकी एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनती है पंजाब को नेतृत्व देने की, पंजाब को वो सच्चा विकल्प देने की जिसके लिए पंजाबी तड़प रहे हैं। और उन्हें ये आश्वासन देने जाऊंगा, विश्वास देने जाऊंगा कि स्वराज अभियान के हम सब साथी, पंजाब के साथी, दिल्ली के साथी, देश भर के साथी इसमें आपके पीछे खड़े हैं। विनोद जी, अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को कोई बीमारी लग गई जिसका वो इलाज करने आए थे, वो किस क्यों कह रहे हैं आप, क्यों आपको लग रहा है? और आपने अभी एक कोई उदाहरण भी दिया था कि जो छात्र संघ चुनाव हुए दिल्ली में, उसमें भी जो आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन था उसने भी काफी गुंडागर्दी दिखाई। आम आदमी पार्टी राजनीति में क्यों आई थी? क्योंकि इस देश की राजनीतिक पार्टियां बीमार हो चुकी थी। पैसा, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, हाईकमान कल्चर, ये सब से इस देश की पार्टियां बीमार थी। इसलिए इस देश की जनता ने आम आदमी पार्टी में भरोसा करना शुरू किया कि हो सकता है कोई आके राजनीति की बीमारी को ठीक करे। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी में वही सब बीमारियां हैं, वही हाईकमांड कल्चर है, एक आदमी सब फैसले लेगा, वही दिल्ली दरबार है, दिल्ली में बैठे हुए लोग पंजाब के बारे में फैसला ले रहे हैं, तमिलनाडु के बारे में फैसला ले रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़, जो कुछ भी करो बस किसी तरह से जीत जाओ, और भ्रष्टाचार से भी समझौते, तमाम तरह के राजनीतिक समझौते। नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन के साथ बिहार में खड़े हैं वो लालू यादव जो कि देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं, उन लोगों के साथ समझौते। और ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छोटा सा चुनाव हुआ, उसमें हमने देखा कि जो बीमारी कांग्रेस के स्टूडेंट संगठन और बीजेपी के स्टूडेंट संगठन NSUI और ABVP ने शुरू की थी, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट संगठन CYSS ने उस बीमारी का इलाज करने की बजाय
उसमें इन दूसरी पार्टियों से भी दो कदम आगे बढ़ गई। इतना पैसा पानी की तरह बहाया जो कांग्रेस के पास भी नहीं है। मंत्री क्लासों के अंदर जा रहे हैं, एमएलए कॉलेज में घुस रहे हैं, जबरदस्ती घुस रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोक रही है और जबरदस्ती वहां घुस रहे हैं, मारपीट का केस हुआ। ये वो वैकल्पिक राजनीति है जिसके लिए देश ने इस पार्टी में उम्मीद जताई थी। आज इस देश की उम्मीद को जगाने के लिए, उस उम्मीद को बनाए रखने के लिए एक सच्चे विकल्प की जरूरत है। विनोद जी, आखिरी सवाल, आपने कहा कि शिक्षा को लेकर आप एक आंदोलन चलाने जा रहे हैं, और क्या नारा है वो आपने नारा दिया है? आज पंजाब में बाकी देश की तरह शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सड़ चुकी है। शुरुआत नर्सरी से होती है, जहां प्राइवेट स्कूल इतनी इतनी फीसें लेते हैं, भ्रष्टाचार से पैसा लेते हैं, प्राइवेट स्कूल ईडब्ल्यूएस के लोगों को सीट नहीं देते जो कानूनन उन्हें मिलनी चाहिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, हायर एजुकेशन के अंदर सीधे सीधे भ्रष्टाचार, फ्रॉड हो रहा है, स्कैम्स हो रहे हैं। इस सब सवालों को लेके आम आदमी इस सब सवालों को लेके स्वराज अभियान की तरफ से हम पंजाब में एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। 2 अक्टूबर को चंडीगढ़ में एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करेंगे, सबको शिक्षा, समान शिक्षा, सार्थक शिक्षा, यानी कि शिक्षा नीचे से ऊपर तक, गरीब से अमीर तक सबको हासिल हो, समान शिक्षा हो, किसी के पास कितना भी पैसा हो ना हो, सबको अपनी योग्यता के आधार पर शिक्षा मिलनी चाहिए, पिताजी के पैसे के आधार पर नहीं। और सार्थक शिक्षा, वो जो हमारे देश के लिए सार्थक हो, जो हमारे समाज के लिए सार्थक हो, हमारी संस्कृति से जुड़े, हमारी परंपराओं से जुड़े, इन सब सवालों को लेके हम एक कन्वेंशन यहाँ 2 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डेढ़ साल तक पार्टी का प्रवक्ता रहने के 2 साल होते हैं।